इंडिया वर्सेस कनाडा, टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2024 का ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला। इससे पहले टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला खेला था, जीत गई। ऑब्वियसली पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेला, जीत गई। उसके बाद US के खिलाफ मुकाबला खेला टीम इंडिया ने, वो भी जीत गई। तो तीनों मुकाबले 20-20 ओवर के पूरे हुए। ना बारिश ने खलल डाला, ना किसी और बाधा ने खलल डाला टीम इंडिया के प्रदर्शन में, अच्छे प्रदर्शन में। तो पूरा मैच हुआ। पर लेकिन जो इंडिया वर्सेस कनाडा मुकाबला है, सुपर 8 में प्रवेश करने से पहले टीम इंडिया का जो आखिरी जो ग्रुप स्टेज का मुकाबला कनाडा के खिलाफ, अब यहाँ पर जो है मुकाबला हो सकता है अबैंडन। क्योंकि फ्लोरिडा में हो रही है लगातार बारिश और जो वेदर है बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में साउथ फ्लोरिडा में इतने फ्लड्स आए हैं, लगातार बारिश होती गई है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है फ्लोरिडा में। और जो पिछला मुकाबला US वर्सेस आयरलैंड के बीच में हुआ था, जिस मुकाबले के बाद पाकिस्तान बाहर हो गई थी, तो US वर्सेस आयरलैंड का मुकाबला हो ही नहीं पाया। 5-5 ओवर का भी मुकाबले का स्टेज नहीं बन पाया। क्योंकि इतनी भारी बरसात हो रही थी। भारी बरसात हुई तो जो है ग्राउंड की हालत जो है वो ऐसी ख़राब हो जाती है कि भाई इतना डैम्प हो जाता है ग्राउंड, और इसके बाद पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर, वो क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इतना कुछ खास है नहीं। इवन अगर आप पिच की बात करें तो पिच भी जो है पूरी तरीके से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, और साथ ही साथ वो पिच भी ना डैम्प हो जाती है, जिसकी वजह से मुकाबला जो है नहीं हो पाता। और यही डिसीजन लिया एट द एंड अंपायर्स ने इंस्पेक्शन के बाद 9:30 बजे के बाद इंडियन टाइम के हिसाब से, कि भाई US और आयरलैंड का मुकाबला नहीं हो पाएगा क्योंकि लगातार इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। और अभी के अगर आप आसार देखें, अभी भी 50% है जो प्रतिशत बारिश के आसार। इंडिया और कनाडा का जब मुकाबला होगा तब भी जो है पूरे के पूरे जो परसेंटेज निकल के आई है 50% बारिश के आसार हैं तब भी उस मुकाबले के दौरान। एक तरीके से ये चीज़ हो रही है कि मतलब कभी बारिश आती है फिर रुक जाती है, यानी कि बारिश आती है तो कवर्स लगा दिया जाता है पिच पर, बारिश रुक जाती है तो फिर कवर हटाया जाता है, फिर उसके बाद बारिश आती है फिर कवर लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद बारिश रुक जाती है तो कवर हटाया जाता है। तो पिछले 2 दिनों से यही हो रहा है फ्लोरिडा में, भारी बरसात आ रही है। और इवन जो मैं बता रहा था मायामी, या इवन अगर आप बात करो साउथ फ्लोरिडा में भारी भरकम फ्लड आए थे, उसकी वजह से तो मुझे लगता है कि भाई भारत और कनाडा के बीच में मुकाबला वॉश आउट हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टीम इंडिया को और ना ही कनाडा को। टीम इंडिया को इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टीम इंडिया जो है सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है। हाँ, बस ये है कि एक तरीके से जो बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली सलामी बल्लेबाज जो इस T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि उनको थोड़ी सी लय चाहिए, उनको थोड़ा वक्त बिताना होगा सुपर 8 में जाने से पहले, क्योंकि लगातार ये बहुत कम रन्स बनाकर आउट हुए। तो लय में आने के लिए कंडीशंस के हिसाब से अपने जो है अपने आप को अडैप्ट करने के लिए उनको लय में आना था, वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जा रही है। उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं, टीम इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है। टीम इंडिया अगर ये मुकाबला हुआ भी नहीं, अगर हार भी जाती, जो कि जिसके बहुत कम आसार हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। कनाडा पहले ही बाहर हो चुकी है इससे पूरे टूर्नामेंट से, तो उनको भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, कोई ऐसी दिक्कत की बात होगी नहीं। तो धुल रहा है मुकाबला भारत और कनाडा का, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। लगातार बारिश पर बारिश हो रही है फ्लोरिडा में। आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही।